बड़वानी पुलिस ने खदान मोहल्ले में चलाए जा रहे आईपीएल सट्टे का खुलासा कर एक लैपटॉप, 13 मोबाइल टीवी और 1,61,000 रुपए बरामद किए हैं और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बड़वानी के खदान मोहल्ले में दबिश देकर आईपीएल सट्टा पकड़ा। थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि कार्रवाई में पुलिस ने खदान मोहल्ले के एक मकान में आईपीएल का सट्टा लगाते हुए 4 युवकों के पास से मोबाइल सहित अन्य उपकरण और नकद रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस ने मनोज पिता शिवराम यादव, तरुण पिता घमंडी लाल यादव, पुष्पेंद्र पिता सीताराम चौहान और धीरज पिता सीताराम चौहान को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सर, खुलासा किया गया है सर आईपीएल सट्टे को लेकर, सर किस तरीके का खुलासा? ये एसपी श्री निमिष अग्रवाल सर के सख्त निर्देश है कि जो आईपीएल का सट्टा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। उसी के निर्देशन में जो है हम लोग लगातार सूचना संकलन कर रहे थे और कल सूचना मिली थी कि खदान मोहल्ले में एक जगह आईपीएल सट्टा चल रहा है, उसमें टीम बनाई गई थी और जब टीम ने मौके पर दबिश दी तो एक घर में पहली मंजिल पर जो है कुछ लोग आईपीएल का सट्टा चलाते हुए पाए गए, जिसमें मौके पर 4 लोग मिले थे, जिसमें नीरज चौहान, पुष्पेंद्र चौहान, मनोज यादव और अन्य लोग थे, तरुण यादव। तो इन 4 को मौके पर गिरफ्तार किया, 2 लोग फरार हो गए थे, अमित और अजय। मौके पर लैपटॉप, करीब 13 मोबाइल, एक टीवी जिसमें क्रिकेट मैच चल रहा था और अन्य उपकरण, और इस प्रकार जब तलाशी पूरी ली गई तो 1,61,000 रुपये इनसे जब्त हुए। प्रकरण में अपराध गैम्बलिंग एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया और इसमें आईटी एक्ट का भी शुमार किया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार है, 2 फरार है और 2 अन्य आरोपी जो मनावर और एक इंदौर का है जो खाईवाल था, उसको भी आरोपी बनाया गया है, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।